किसान साथियों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आविष्कार तभी होते हैं जब उसकी आवश्यकता हो। तो किसान भाइयों की भी मजदूरों की कमी लगी, उससे जो है किसान भाइयों ने एक जुगाड़ ईजाद किया या जो मशीन बनाई है वह चलती फिरती थ्रेसर मशीन है, जो कि भूसा भी इकट्ठा करती है और अनाज जो निकलता है गेहूँ चना कुछ भी उसे भी कलेक्ट करती रहती है और खेत में चलती हुई वह थ्रेसिंग करती है, जिससे कि भूसा भी समेटा जा सकता है और उसका जो माल निकल रहा है या जो अपनी फसल निकल रही है वह उसे भी अच्छे से समेटी जा सकती है। और मजदूरों की कमी को इस जो मशीन ने काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है और काफ़ी अच्छी मशीन यह जो है कार्य कर रही हैं। पिछले साल भी हमने एक मशीन का वीडियो डाला था जिसमें कि भूसा समेटने का सिस्टम नहीं था, पर यह मशीन उससे भी काफ़ी ज़ोरदार लग रही है। इसमें जो है भूसा भी समेटा जा रहा है और साथ में क्वालिटी जो माल निकल रहा है तो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें ग्रेडिंग होकर निकल रही है। तो किसान साथियों, ये मशीन जो है थ्रेसिंग मशीन है जो कि ट्रैक्टर के पीछे चल रही है और खेत में चलती फिरती यह थ्रेसिंग मशीन भूसा और अनाज को समेटते हुए मजदूरों की समस्या से किसान भाइयों को निजात पा रही है। तो आप देख सकते हो क्वालिटी भी कितनी शानदार ग्रेडिंग के साथ निकाल रही है और अच्छी गुणवत्ता वाला माल यह निकाल रही है। तो किसान साथियों, आप ये जो नंबर मशीन पर दे रखे हैं उन पर कॉल करके इस मशीन की पूरी जानकारी ले सकते हो और आप भी मशीन खरीदकर जो है इस मशीन को अपना बना सकते हो। किसान साथियों, खेती से संबंधित ऐसी ही जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर, प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण और मंडी भाव तक की और भाव भविष्य की डालेंगे वह बिना देरी के आप तक पहुँच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपके क्षेत्र में भी यह मशीन आ चुकी है या आपको यह मशीन कितनी जो है प्रभावित लगी या अच्छी लगी। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी है जिससे कि अनाज भी सीधा ट्रॉली में या नीचे खाली हो जाता है, कोई मजदूर की आवश्यकता नहीं है और भूसा भी जो है जहां पर हम हाइड्रोलिक के माध्यम से खाली करना चाहें वहां पर कर सकते हैं। भूसे की क्वालिटी और अनाज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल रही है और इसका एवरेज जो आता है वह भी काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे से और जल्दी जल्दी यह कार्य करती है, जो कि आप अपनी विजुअल स्क्रीन पर देख भी सकते हो। तो किसान साथियों, आपको कैसी लगी मशीन वह कमेंट जरूर करें और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारियां डाल रखी हैं वह भी आप जाकर देखें, उन्हें भी लाइक और शेयर जरूर करें। किसान साथियों, आप देख सकते हो यह चने की फसल है जो कि अभी किसान भाइयों द्वारा निकाली जा रही है और जो यह थ्रेसिंग मशीन है यह खेत में घूमती घूमती जो है अपने कार्य को अंजाम दे रही है, जिसमें कि काफ़ी कम मजदूरों को जो है लगाना पड़ता है। नहीं तो जो पल्ली पर हम बिछा कर एक कोने पे खेत के इकट्ठा करते हैं तो पूरे खेत का माल एक जगह लाना पड़ता है, पल्ली बांध कर उठा कर फिर खाली करना, सभी झंझट रहते हैं उसमें और फिर थ्रेसिंग में डालने का खर्चा अलग से लगता है। और इसमें वो नहीं है, खेत में से उठाया, डायरेक्ट मशीन पास में चल रही है उसमें डालो तो माल हाथों हाथ निकल रहा है, भूसा भी ऊपर ड्रम में इकट्ठा हो रहा है। तो ये दिए गए नंबर जो कि श्री गणेश एग्रो हैं, वर्क्स हैं, उनमें आप जो कॉल करके जो अपनी थ्रेसिंग मशीन की जानकारी ले सकते हैं। आपको अगर ये मशीन पसंद आ रही है या आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, इसको नहीं खरीदना चाहते हैं फिर भी अगर इसकी आपको जानकारी चाहिए तो उन नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी, इसकी कीमत, आपको कब मिल जाएगी, बुकिंग कैसे करवानी है, कौन से ट्रैक्टर पर चलेगी, सभी जानकारी आप ले सकते हो। तो उन नंबर पर कॉल करें और आपको मशीन कैसी लगी वह कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप ऐसी ही जो है ज़ोरदार वीडियो देख सकें। धन्यवाद।